खेल जगत से एक बड़ी खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच। पहली पारी में टीम इंडिया ने 400 रन बनाए हैं। भारत को पहली पारी में 233 रनों की बढ़त मिली है। हालांकि इस दौरान अक्षर पटेल शतक से जरूर चूक गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, तो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। उसी के बाद ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की होगी टीम इंडिया की। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए, साथ ही टीम इंडिया को 223 रनों की बढ़त हासिल हुई है। जानकारी आपको दे दें कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रनों पर सिमट गई थी। अक्षर पटेल 84 रन उन्होंने बनाए, हालांकि इस दौरान वो शतक से चूक गए। रविंद्र जडेजा 70 और मोहम्मद शमी ने 37 रनों की पारी खेली। अगर भारत को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है तो ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से परास्त करना होगा। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं खेल जगत से, क्रिकेट से जुड़ी हुई। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए हैं। तो अक्षर पटेल 84 रन उन्होंने बनाए, हालांकि इस दौरान वो शतक से चूक गए। रविंद्र जडेजा 70 और मोहम्मद शमी ने 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रनों पर ही सिमट गई थी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को 223 रनों की बढ़त हासिल हुई है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, भारत की पहली पारी 400 रनों पर खत्म, ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त बनाई है। अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, हालांकि शतक से वो जरूर चूक गए। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को जगह बनानी है। 3-0 से जब हराएंगे, क्लीन स्वीप देंगे, तो उसके बाद ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह भारतीय टीम की पक्की होगी। लेकिन फिलहाल इस मैच से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 400 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त फिलहाल हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रनों पर सिमट गई थी और ये महत्वपूर्ण खबर है। अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, रविंद्र जडेजा 70 और मोहम्मद शमी ने 37 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे टॉड मर्फी ने 7 विकेट लिए हैं। खेल जगत से, क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर, हालांकि अक्षर पटेल शतक से जरूर चूक गए, लेकिन जो पारी थी वो काफी महत्वपूर्ण भारतीय टीम के लिए, काफी असरदार पारी से माना जाएगा। 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी अक्षर पटेल ने खेली है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे खेल जगत से। भारत की पहली पारी 400 रनों पर खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त टीम इंडिया ने ले ली। अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, डेब्यू कर रहे मर्फी ने 7 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मात देनी होगी अगर टीम इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करनी है। तो चलिए, विशेष संवाददाता दिलीप काप से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं। पहली पारी 400 रनों पर खत्म और 223 की बड़ी बढ़त भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ली है। फिलहाल एक निर्णायक दौर में ये मैच है और मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की बढ़त भारतीय टीम ने हासिल की है उसके बाद चौथे पारी की उसे जरूरत पड़ेगी बैटिंग पे आने की। तो जिस तरह से बैटिंग की है तो मैच बना लिया है भारत ने और बहुत आगे ये मैच जाने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आज ही के दिन अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया उसे आउट कर ले। और जिस तरह की बैटिंग की, खासकर अक्षर पटेल ने, उन्होंने एक तरह से 90 नंबर का बल्लेबाज जब आकर 80-85 रन करता है, आपका दसवें नंबर का बल्लेबाज 33-38 रन बना रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि मोराल जो है पूरी तरह डाउन हो जाता है सामने वाली टीम का। तो आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हम जानते हैं इतने सालों से, जो भारत का दौरा करती है या अपने होम ग्राउंड पे हमसे खेलती है, तो आज सारे खिलाड़ियों का जो है कंधे झुके हुए थे। तो एक तो मोरल डाउन है और जिस तरह से लीड है तो मुझे लगता नहीं कि उनके बल्लेबाज बहुत ज्यादा कुछ डिफेंड कर पाएंगे और हो सकता है कि इसी लीड के अंदर ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हो जाए और अगर वो करते भी है कुछ रन तो बहुत बड़ा टारगेट वो सामने सेट नहीं कर पाएंगे।
कापसे जी, लेकिन आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारतीय बल्लेबाजों का कमाल हमने जरूर देखा है, पिच जरूर फेवर में दिखाई दे रही है भारतीय बल्लेबाजों के। रोहित शर्मा को हमने कल देखा, इससे पहले रोहित शर्मा ने शतक जमाया। आज अक्षर पटेल जरूर शतक से चूक गए, 84 रनों की धमाकेदार पारी उन्होंने खेली, लेकिन मोहम्मद शमी 37 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान इस पारी में उनका। इंडियन चैलेंजर्स जो है वो लंबे समय से, पिछले 4-5 सालों से जो इंडिया ने ओवरसीज में अच्छा किया है, उसमें एक बड़ी वजह जो है वो इंडियन चैलेंजर्स की बैटिंग है, उनकी स्किल्स है, जो कि जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रनों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये पिछले कुछ सालों से लगातार देखे जा रहा है, चाहे वो शमी हो या बुमराह रहे हो पास में, या फिर आपके वाशिंगटन सुंदर रहे हो, खुद अक्षर आज रहे, अश्विन रहे, तो ये लोग जो नीचे, आप सिराज को देख लीजिए, वो 11वें नंबर पर बैटिंग करने आए और जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे या सामना कर रहे थे कमिंस का या लियोन का, तो वो बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल इंडियन चैलेंजर्स ने प्ले किया है। टॉप ऑर्डर की तो बात अपनी जगह ठीक की है, लेकिन जो सक्सेस रेट इंडिया का बड़ा है उसमें बहुत बड़ा हाथ चैलेंजर्स का रन के मामले में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। शुक्रिया आपका फिलहाल, दिलीप कापसे जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत धन्यवाद सर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे नागपुर टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है, और बता दें आपको, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाए थे, लेकिन टीम इंडिया ने जवाब में 400 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया है और 223 रनों की बढ़त उसे ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मिली है।